नमस्कार, एबीपी रिपोर्टर के साथ हाजिर हूं रुमाना इसार खान। विस्तार से खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत खबरों के फटाफट अंदाज के साथ। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम है। गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे, कई केंद्रीय राज्य के मंत्री भी मौजूद। 2024 को लेकर अखिलेश यादव का लखनऊ में पिछड़ा महासम्मेलन आज। ओबीसी समाज से जुड़े विधायक सांसद नेताओं को देंगे विजय मंत्र। समाजवादी पार्टी अगले महीने से करेगी सामाजिक एकीकरण सम्मेलन। लखीमपुर खीरी से 3 सितंबर को होगा आगाज। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने पर कहा है, पिछले चुनाव में जहां पार्टी नंबर 1 पर और नंबर 2 पर रही, वहां जरूर लड़ेगी चुनाव। लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं संजय राउत, मुंबई की नॉर्थ ईस्ट सीट से चुनाव लड़ सकते हैं संजय राउत। फिलहाल राज्यसभा सांसद हैं संजय राउत, उद्धव ठाकरे गुट से राज्यसभा सांसद। एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल में छत्तीसगढ़ में फिर भूपेश सरकार के आसार। कांग्रेस को 48 से 54 सीट, बीजेपी को 35 से 41 सीट मिलने का अनुमान। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा 2024 में अगर बीजेपी आ गई तो अंबेडकर के संविधान को बदलकर मोदी संविधान कर देगी। सांसद चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर बड़ा आरोप लगा दिया, कहा पार्टी की लोकप्रियता देख मेरी राजनीतिक हत्या करवाना चाहते हैं नीतीश कुमार। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में 24 अगस्त को होगा आपका प्रदर्शन, द्वारका एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट में घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति का गठन, अध्यक्ष बनने के 10 महीने बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने टीम का ऐलान किया, समिति में ज्यादातर पुराने चेहरे, 4 राज्यों के सीएम को जगह नहीं। कांग्रेस कार्य समिति में 39 सदस्य होंगे, 32 अस्थायी आमंत्रित और 13 विशेष आमंत्रित सदस्य बनाए गए। सोनिया, राहुल गांधी समेत शशि थरूर, सचिन पायलट को जगह मिली। 31 अगस्त से 1 सितंबर को मुंबई हायत होटल में होगी विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक। कांग्रेस, एनसीपी, शरद गुट और शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे के नेताओं ने तैयारी को लेकर बैठक की। आज से 24 अगस्त तक मणिपुर के दौरे पर सीपीआई का एक प्रतिनिधिमंडल, पार्टी महासचिव डी राजा की अगुवाई में मणिपुर के हालात का जायजा लेंगे सीपीआई के नेता। चांद की ओर करीब पहुंच गया चंद्रयान 3, इसरो ने चंद्रमा की सतह की नई तस्वीरें जारी की, 23 अगस्त को होगी चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से मुठभेड़, 1 आतंकवादी ढेर, इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। सनी देओल के बंगले की नीलामी पर बैंक ने रोक लगा दी, सनी देओल ने बैंक ऑफ बड़ौदा से 56 करोड़ रुपए का लोन लिया था, बैंक 24 घंटे के भीतर अपना फैसला बदल चुका है। सनी देओल के बंगले पर सियासत, कांग्रेस ने बैंक के फैसले पर सवाल उठाए, कहा बैंक ने तकनीकी कारणों का हवाला देकर 24 घंटे में फैसला बदल दिया। भारी सुरक्षा के बीच दिल्ली के गीता कॉलोनी में 30 साल पुराने मंदिर पर पीडब्ल्यूडी की कार्रवाई, अतिक्रमण हटाने का काम जारी है। बिहार जाति आधारित गणना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट आज तय कर सकता है सर्वे के आंकड़े जारी करने पर अंतरिम रोक लगाई जाए या नहीं, दोपहर 2 बजे के करीब फैसला हो सकता है। समीर वानखेड़े की याचिका पर आज होगी बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई, समीर वानखेड़े ने उनके खिलाफ सीबीआई की एफआईआर रद्द करने की दाखिल की याचिका, मामले में सीबीआई भी रखेगी अपनी अब तक की जांच। कला निर्देशक नितिन देसाई की आत्महत्या मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई आज, आरोपी राजकुमार बंसल रसेश शाह ने हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका, पुलिस पर लगाया उनका पक्ष न जानने का आरोप। दिल्ली में होने वाले G20 समिट के लिए तैयारियां जोरों पर हैं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रिहर्सल की है, होटल से राजघाट, राजघाट से प्रगति मैदान का जायजा लिया। पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन से आज शुरू होगा कामकाज, आज से यात्रियों के लिए खुलेगा नया टर्मिनल भवन, प्रधानमंत्री मोदी ने 18 जुलाई को किया था भवन का उद्घाटन। रायबरेली में गंगा के उफान को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है, घाटों पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए, बचाव के लिए गोताखोर नावों की मुकम्मल व्यवस्था है। उत्तराखंड में जारी बारिश का कहर, देहरादून में टपकेश्वर महादेव मंदिर का एक हिस्सा ढह गया, मरम्मत का काम जारी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एनडीआरएफ ने आधी रात को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, कोलबांध में फंसे 10 लोगों की जान बचाई गई।
हिमाचल प्रदेश में आज भी हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने जताई हल्की बारिश की संभावना। उत्तर प्रदेश, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा में हल्की बारिश का अनुमान। उत्तर पूर्वी राज्यों में आज बदल सकता है मौसम। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी। कुछ स्थानों पर हो सकती है भारी बारिश। उत्तराखंड के जोशीमठ में उर्गम खाचे के 20 गांवों को जोड़ने वाला मार्ग बंद। रोड बंद होने की वजह से इलाके में जरूरी चीजों की आपूर्ति बाधित। ओडिशा के भद्रक में भारी बारिश से आ गई बाढ़। गांव में घुस गया बाढ़ का पानी। सड़कों, घरों में पानी भर जाने की वजह से जनजीवन प्रभावित। फरुखाबाद में रामगंगा नदी भी खतरे के निशान के करीब पहुंच गई है। किसानों की हजारों बीघा जमीन बाढ़ के पानी में जलमग्न है। फसल भी बाढ़ में डूबी। उत्तर प्रदेश के कासगंज में उफान मारकर बह रही है गंगा नदी। गंगा का जलस्तर बढ़ने से किनारों पर कटाव। सड़क, पुल, जमीन दोज। तस्वीरें देख लोगों में दहशत। बाढ़ के पानी से जानवरों पर आफत है। पानी में बहते दिख रहे मवेशी। पटियाली तहसील में बाढ़ की चपेट में 70 से ज्यादा गांव आ गए। मुरादाबाद में रामगंगा नदी में नहाते समय डूब गए 3 बच्चे। कई घंटे की मशक्कत के बाद भी गोताखोर नहीं लगा पाए कोई सुराग। बारिश की वजह से उफान मारकर बह रही है रामगंगा नदी। पंजाब के फजिलका में 26 किलो हेरोइन के साथ 2 पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। पुलिस और बीएसएफ ने चलाया था ज्वाइंट ऑपरेशन। अरब सागर में ड्रग नेक्सस की बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। कस्टम विभाग ने करीब 250 किलो से ज्यादा ड्रग्स जब्त की। दिल्ली के नेताजी सुभाष पैलेस इलाके में एक व्यक्ति की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। एक आरोपी पकड़ा गया, बाकियों की तलाश जारी। दिल्ली के फतेहपुर बेरी इलाके में गलत पहचान की वजह से युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी करण सिंह को गिरफ्तार किया। दिल्ली के निलोठी इलाके में फैक्ट्री में भीषण आग। मौके पर फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर काबू पाया। प्याज की किल्लत को लेकर दिल्ली सरकार ने बफर स्टॉक बढ़ा दिया है। 3 लाख मीट्रिक टन से 5 लाख मीट्रिक टन बढ़ाया गया है स्टॉक। इस साल बफर प्याज की मात्रा बढ़ाकर 5 लाख मीट्रिक टन की गई। एनसीसीएफ दिल्ली में आज से 25 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज बेचेगा। मोबाइल वैन 2 दुकानों के माध्यम से की जाएगी प्याज की बिक्री। आज रवाना की जाएंगी 10 मोबाइल वैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर के दरबार में भक्तों की भारी भीड़। सावन के 7वें सोमवार के दिन आरती पूजा में शामिल हुए लोग। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भगवान शिव के औगड़नाथ शिव मंदिर में पहुंचे श्रद्धालु। सावन के 7वें सोमवार पर बाबा शिव का आशीर्वाद पाने पहुंचे लोग। नाग पंचमी के मौके पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। नाग वसुकी मंदिर में लोगों ने की पूजा अर्चना। सीएम बघेल के पैर के नीचे सांप आने से हड़कंप मच गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर दौरे पर थे बघेल।